आज मैं आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताने वाला हूँ। किसी भी देश की सरकार की तीन आधार स्तंभ होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं लेजिस्लेचर, यानी कि लॉज को बनाने का काम, जहाँ पे लॉज बनता है पार्लियामेंट में, एग्जीक्यूटिव यानी लॉज को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूटिव टॉप लेवल यानी मिनिस्टर से लेके लोअर लेवल जहाँ पे हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, एंड फाइनली होती है जुडिशियरी, जो कि देखती है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, और इसलिए जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे ये लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स जिन लोगों के पास होता है वो पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं या पब्लिक के कंट्रोल में होते हैं। इसी डेमोक्रेसी को प्रजातंत्र, लोकतंत्र या फिर जमहूरियत भी कहते हैं। चूंकि डेमोक्रेसी में कंट्रोल पब्लिक के पास होता है, तो पब्लिक का ओपिनियन जानने का एकमात्र तरीका है, और वो है वोटिंग, जिसको टेक्निकली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। इस वोटिंग के थ्रू हम अपने कैंडिडेट्स को अगले 5 सालों के लिए चुनते हैं, इन्हीं को हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के केस में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ये इंटर्न हमारे बिहाफ पे एग्जीक्यूटिव को यानी लॉ को इम्प्लीमेंट करने वालों को चुनते हैं, दूसरे शब्दों में हमारे मिनिस्टर्स को, और उन पर कंट्रोल रखते हैं हमारे बिहाफ पे, उनको क्वेश्चन करते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, 100 करोड़ से भी ज़्यादा की जनसंख्या है, और इसमें हम डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करा सकते, इसलिए हम अपने बिहाफ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर भेजते हैं, और वो हमारे बिहाफ पे पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे बिहाफ पे हमारी आवाज़ बनते हैं। इसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। मगर छोटे देशों में जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, फ्यू थाउजेंड्स या लैक्स में है, वहाँ पे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने के टोटल 4 तरीके हैं, 4 टेक्निक्स हैं, जिनको कहते हैं रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट।